नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से सामने आई है। बरेली की भोजीपुरा सीट से सपा विधायक शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलवाया है। बताया जा रहा है कि इस पेट्रोल पंप को लेकर नक्शा पास नहीं कराया गया था और इसके साथ साथ कोई एनओसी नहीं है। कुछ दिन पहले उनको नोटिस भेजा गया था, उसका जवाब नहीं मिला, जिसके बाद योगी सरकार की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। वैसे आपको बताते चले, ये वही सपा विधायक हैं जिन्होंने कुछ वक्त पहले योगी आदित्यनाथ को चेतावनी दी थी, उनको धमकी दी थी कि अगर उनके मुंह से कुछ भी निकला तो फिर बंदूकें चलेंगी। क्या कुछ कहा था शहजील इस्लाम ने, जरा आपको विस्तार से बताते चलते हैं। दरअसल उनका एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर योगी आदित्यनाथ के मुंह से एक भी आवाज निकलेगी तो हमारी बंदूकों में से धुआं नहीं गोली निकलेगी। हालांकि इसके बाद उन्होंने फिर सफाई पेश की थी। उन्होंने कहा था कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, उनके कहने का मतलब ये नहीं था। हालांकि जब उनका बयान सामने आया उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा था। और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आई बरेली से, जहां पर उनके पेट्रोल पंप को ध्वस्त कर दिया गया है और बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर इसके विजुअल्स, इसके वीडियोस भी आने शुरू हो गए हैं, जो ये पूरी तरीके से दर्शाते हैं कि कैसे उनके पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये बता रही हैं कि कुछ लोग पेट्रोल अपनी गाड़ी में भरवाने के लिए, अपनी बाइकों में भरवाने के लिए वहां पर मौजूद थे। सबसे पहले अधिकारियों ने उन सभी लोगों को साइड किया, उनको वहां से बाहर निकाला और उसके बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। निश्चित तौर पर योगी सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की गई है इसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से या फिर हो सकता है कि अखिलेश यादव की तरफ से भी कोई रिएक्शन आए। जैसे ही कोई प्रतिक्रिया आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आपको बताते चलें कि योगी सरकार में कोई भी अगर अवैध अतिक्रमण कर रहा है, अवैध कब्जा कर रहा है, तो फिर उस पर इसी तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है और इसी का शिकार हुए हैं समाजवादी पार्टी के विधायक। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर।